मित्रों, वैद्य जी आपको एक नई जानकारी देंगे और उससे पहले मैं आपको वैद्य जी की किताब आधुनिक आयुर्वेदिक चिकित्सा जीतने का मौका दे रही हूँ। इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है और कमेंट कर बताना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं बताने वाला हूँ एक यूनानी दवा माजून जोगराज गुगल के बारे में, जो हर तरह की वात और कफ की बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। तो आइए जानते हैं माजून जोगराज गुगुल बनाने का तरीका, इसके फायदे और इस्तेमाल के बारे में सब कुछ डिटेल में। माजून जोगराज गुगुल यूनानी दवा है, जो आयुर्वेदिक दवा योगराज गुगुल से मिलता जुलता काम करती है, पर इसका कंपोजिशन थोड़ा अलग होता है। तो आइए सबसे पहले जानेंगे माजून जोगराज गुगुल का कंपोजिशन। इसे बनाने के लिए चाहिए होता है पीपल, काली मिर्च और भांगरा प्रत्येक 10-10 ग्राम, सौंठ, कूठ, देवदार, हाउबेर, अकरकरा, पीपरा मूल और नरकचूर प्रत्येक 6 ग्राम, बला मूल, जुंद बेदस्तर प्रत्येक 2-2 ग्राम, कबाब चीनी, चीता और कासनी प्रत्येक 3 ग्राम, पुदीना 5 ग्राम और शुद्ध गुगुल सभी चीज़ों के वजन के बराबर यानी 90 ग्राम, और साथ में चाहिए होगा बादाम का तेल आवश्यकता अनुसार। माजून जोगराज गुगुल बनाने का तरीका। सबसे पहले सभी जड़ी बूटियों को कूट पीसकर चूर्ण बना लिया जाता है और इसके बाद गुगुल मिलाकर बादाम का तेल मिलाते हुए इतना कूटें इमाम दस्ते में डालकर कि माजून की तरह बन जाए। बस यही है माजून जोगराज गुगुल। माजून जोगराज गुगुल का डोज 3-5 ग्राम तक इसे लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं माजून जोगराज गुगुल के फायदे। यह हर तरह के वात और कफ के रोग, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाय, लकवा, कंपवात यानी राशा, वात नाड़ियों की कमजोरी इत्यादि दूर करती है। यह एक बाजीकरण औषधि भी है, आतशक में भी फायदा करती है। चूंकि यह एक यूनानी दवा है तो हकीम लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं। वैद्यगण योगराज गुगुल नाम की दवा का प्रयोग कराते हैं। इसे ऑनलाइन खरीदने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसी तरह की दूसरी यूनानी दवाओं की जानकारी के लिए विजिट कीजिए yunanitimes.com। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी माजून जोगराज गुगुल के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अब चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।